प्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। यदि हम शांति और अशांति को समझने का प्रयत्न करें तो हमें ज्ञाता भाव और भोक्ता भाव इन दोनों की स्पष्ट रेखा खींचनी होगी। इंद्रियां चेतना है हमारी, चेतना का जो एक निम्न स्तर है, सबसे नीचे का स्तर, वह हमारी इंद्रिय चेतना है। आगे मन की चेतना है, भाव चेतना है, चित्त की चेतना है, और भी बहुत सारी अतिंद्रिय चेतना है। यह सबसे नीचा है कि फिर भी ज्ञानात्मक है। आँख के द्वारा हम गे को जानते हैं, जब जानते हैं तब वस्तु हमारे लिए गे बनती है, भोग्य नहीं बनती, केवल गे, केवल विषय बनता है। और आँख के द्वारा जब हम भोगना शुरू कर देते हैं, भावात्मक रूप आता है, तब हम आंख भी भोक्ता बन जाती है। प्रिय व्यक्ति सामने आया और गे नहीं रहा, एक प्रियता पैदा हो गई, आंख का काम भोक्ता हो गया। अब प्रिय व्यक्ति सामने आया, देखते ही आंख में लाल डोरे पड़ गए, क्रोध झलकने लगा, तो फिर आंख के लिए वह व्यक्ति गे नहीं रहा, वह भोग्य बन गया। गे और भोग्य, आप शांति अशांति के मर्म को समझ सकते हैं कि क्या है। हम अपने अभ्यास के द्वारा गे की मर्यादा में रह सकते हैं, और अगर हमारा कोई ज्ञान नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो एक सामान्य आदमी वह भोग्य की सीमा में जाता है, और जहाँ जहाँ भोग्य की सीमा में जाता है वहाँ अशांति पैदा हो जाती है। एक आदमी ने गाली दी, शब्द कान में पड़ा और एकदम मन में अशांति पैदा हो गई, क्योंकि उसने गेय का महत्व नहीं समझा, केवल भोग्य की सीमा में ही यात्रा कर रहा है। भगवान बुद्ध के सामने एक व्यक्ति आया, बहुत गालियां दी, बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वे ज्ञाता की भूमिका पर यात्रा कर रहे थे। जब उस व्यक्ति ने पूछा, थक गया गाली दे दे दे, पूछा कि मैंने आपको इतनी गालियां दी और आपको क्रोध क्यों नहीं आया, तो बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारी गाली को स्वीकार ही नहीं किया तो क्रोध कैसे आएगा, अगर मैं उसे स्वीकार करता तो मुझे गुस्सा आता। तुम देखो कि किसी आदमी के घर में कोई भोज होता है, विवाह शादी का प्रसंग होता है, तो वह मिठाई को घरों में बांटता है, कहते थाली देता है, बांटता है। अब एक घर में गया और मिठाई की थाली लेकर देने लगा, और वह बोला, मैं किसी की स्वीकार नहीं करता, तो बताओ वह थाली कहाँ जाएगी, कि जहाँ जिस घर से आई है वहाँ जाएगी। तो तूने गालियाँ दी
और मैंने गाली को स्वीकार ही नहीं किया तो बोलो गाली कहाँ गई, तुम्हारे ही पास गई, तो मुझे क्रोध क्यों आएगा फिर? ये हमारी ज्ञाता की चेतना है। और इस भूमिका में असंति का प्रश्न नहीं होता, असंति कब पैदा होती है और शांति अपना स्वभाव कब बनती है, एक बहुत सुंदर निरूपण श्री कृष्ण का इसमें है कि विहाय कामान यश सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारे स शांति मधि गच्छति। इतना मार्मिक श्लोक है कि विहाय कामान यश सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय स्प्रिहा और अशांति का संबंध है। आप इसे समझने का प्रयत्न करें। मैंने ऐसे लोगों को देखा है और इस विषय में काफी खोजा भी है कि भाव और अभाव, आदमी भाव से सुखी नहीं बनता किंतु अभाव से दुखी बना रहता है। इसे और स्पष्ट समझे कि जिस व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपया है किंतु सामने वाले व्यक्ति के पास 1,00,00,000 रुपया है, करोड़पति है, तो वह लखपति होने का सुख अनुभव नहीं करता किंतु सामने करोड़पति है। अभी मैं करोड़पति नहीं बना उससे दुखी बनता है, जो है उससे सुखी नहीं बनता, जो नहीं है उससे दुखी बना रहता है। विहाय कामान यश सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय है। जब निष्प्रिय होता है, स्प्रिहा की सीमा हो जाती है, बस इससे आगे मुझे नहीं चाहिए, स्प्रिहा की सीमा, तो फिर अशांति समाप्त होती है। निष्प्रियता बहुत बड़ी बात है, स्प्रिहा आगे से आगे स्प्रिहा बनी रहती है। मैंने एक उद्योगपति से पूछा, मैंने पूछा तुम इतने अशांत रहते हो, इतने बड़े आदमी, इतने कारखाने, फिर भी अशांत रहते हो, और इतने तुम्हारे पर केस चल रहा है, ऐसा क्यों करते हो? बोला मैं क्या बताऊं, मेरे मन में कल्पना हो गई कि मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति बनना है, प्रथम नंबर का उद्योगपति बनना है। तो फिर मैंने ये केने प्रकार ने धन अर्जन का प्रयत्न किया और अब बड़ी अशांति है, चारों तरफ केस चल रहे हैं और अशांति है। ये अशांति कहाँ से आई? उसकी अपनी ही स्प्रिहा में से अशांति का जन्म हुआ। एक अशांति दूसरे के निमित्त से होती है और एक अशांति अपनी ही अंतर की स्थिति के कारण होती है। ये किसी निमित्त से नहीं हुई, दूसरा कोई निमित्त नहीं बना, किंतु अपने भीतर की स्प्रिहा के कारण अशांति पैदा हो गई और ये स्थिति बनी। तो हम विचार करें कि जो लोग शांति की कामना करते हैं उनके लिए जरूरी है स्प्रिहा का संयम, आकांक्षा का संयम, महत्वाकांक्षा का संयम, ये बहुत आवश्यक है। अति महत्वाकांक्षा अशांति पैदा कर रही है। आज पूरे विश्व का विश्लेषण करें, चाहे तो कोई राष्ट्र है, चाहे कोई समाज है, चाहे कोई व्यक्ति है, जिसने स्प्रिहा को विस्तार दे दिया वह कभी शांति से रह नहीं सकता। आचार्य तुलसी के पास एक अमेरिकन आया। आचार्य वर ने पूछा कैसे आए हो? कि शांति की खोज में आया हूं। तो आचार्य वर ने कहा कि तुम अमेरिका में हो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त है, फिर शांति की खोज के प्राप्त है वह और अशांति बढ़ा रही है, इसलिए यहाँ शांति की खोज में आया हूँ। बहुत बड़ी सच्चाई को गीता में प्रकट किया गया है कि विहाय कामान यश सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय है।
निर्ममो निरहंकारे से शांति मदि गच्छति। शांति कौन प्राप्त होता है? उसके तीन सूत्र दे दिए कि जो स्पृहा का संयम करता है, जो ममत्व का संयम करता है, मेरापन ममकार का संयम करता है, और जो अहंकार का विलय करता है, सह शांति मदि गच्छति। अहंकारी व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता, मैंने स्वयं देखा है। एक बड़ा आदमी आया और उसका कर्मचारी खड़ा नहीं हुआ, इतना अशांत हो गया कि उसे शांत करना भी मुश्किल हो गया। कब मैं आया और ये खड़ा नहीं हुआ, अशांति पैदा हो गई। उसने तो कुछ भी नहीं किया, पर अपने अहंकार के कारण ऐसा होता है। घरेलू झगड़ों में भी ऐसा होता है कि पति ने पत्नी से कुछ कहा, उसने उसकी बात नहीं मानी, वह अहंकार का नाग फुफकारने लग जाता है, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, बस भयंकर अशांति पैदा हो जाती है। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, अशांति पैदा हो जाती है। तो ये जो अहंकार है बहुत बड़ा अशांति का सूत्र है, और शायद यह अहंकार बड़ी बड़ी लड़ाइयों का कारण भी बना है। बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई है। तो तीन सूत्रों पर आप विचार करें। जो व्यक्ति शांति की कामना करता है, एक सुंदर मार्गदर्शन दिया गया कि अगर आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो अहंकार का विलय करें, विनम्रता का विकास करें, और ममत्व का भी सीमाकरण करें। सीमाकरण आज के विश्व की अशांति में एक बहुत बड़ा कारण है ममत्व, मेरा बना अपना बना लेना। कुछ व्यक्तियों ने धन को इतना अपना बना लिया कि वे भी शायद नींद की गोलियां खाकर सोते हैं और दूसरों के लिए भी अशांति का हेतु बन जाते हैं। यह ममत्व का विस्तार बहुत बड़ी अशांति का जन्म देने वाला है। अगर ममत्व का सीमाकरण हो कि मुझे उतना ही लेने का अधिकार है जितने से मैं अपनी जीवन की यात्रा को चला सकता हूँ, तो शायद अशांति का ग्राफ काफ़ी नीचे चला जाता। पर ऐसा नहीं हो रहा है, कारण कि सब कुछ स्वाहा करने की तैयारी अग्नि की भांति, और येने केने प्रकारेणे ममत्व को विस्तार देने की बात हो रही है, अशांति का कारण बन रहा है। तो इस श्लोक में तीन प्रमुख कारण बतलाए गए और तीनों बड़े महत्वपूर्ण है, हमारी सारी आंतरिक स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं। जिस व्यक्ति में ममत्व बहुत ज़्यादा है, संग्रह की वृत्ति बहुत ज़्यादा है, और जिस व्यक्ति में अहंकार प्रबल है, उसे हजार उपाय करने पर भी आप शांति नहीं दे सकते और वह कभी शांति का जीवन नहीं जी सकता, हमेशा अशांत रहेगा। शांति से शांति मदि गच्छति, शांति को वही व्यक्ति प्राप्त होता है जिसने स्पृहा का संयम किया है, महत्वाकांक्षा का संयम किया है, जिसने ममत्व का सीमाकरण किया है, और जिसने अहंकार को भी सीमित किया है। भगवान महावीर ने 12 अनुप्रेक्षाओं का विधान किया था, 12 अनुप्रेक्षा। मैंने स्वयं देखा है और शायद कितने लोगों से अभ्यास करवाया, अनुप्रेक्षा के अभ्यास से अशांति बिल्कुल समाप्त हो जाती है, दुख समाप्त होता है, और दुख को समाप्त करने के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक उपाय भी हमने देखे। पर सब देखने के बाद मुझे लगा कि चाहे मनोविज्ञान के चेतना के उदात्तीकरण, मार्गांतरीकरण, सप्रेषण आदि को सब दूर करें,
पर जितना अनुप्रेक्षा का एक सार्थक प्रयोग है उतना अभी ध्यान में नहीं आया। ये अनुप्रेक्षा का प्रयोग तो जब कि कैसे करें, एक सुंदर श्लोक गीता का है, नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुख। सुख और शांति एक जोड़ा है, सुख कहाँ होगा, कि नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, अयुक्त है जिसने योग का अभ्यास नहीं किया या चेतना के साथ मिलने का अभ्यास नहीं किया, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। आप ये न माने कि अनपढ़ लोग, मूर्ख लोग दुनिया में कोई बहुत बुराइयां करते हैं। हमारा निष्कर्ष तो यह है कि पढ़े लिखे लोग जितनी खराबी करते हैं, अनपढ़ लोग तो कर ही नहीं सकते बेचारे, उनमें इतनी समझ ही नहीं होती, ताकत भी नहीं होती, और आज का शब्द एफिशिएंसी, उनमें इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कभी कोई बहुत बड़ी बुराई कर सके। बड़ी बुराई वही कर सकता जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, जिसमें बहुत दक्षता है। बैंक की डकैती पुराना चोर डाकू नहीं कर सकता, आज के पोस्ट ग्रेजुएट या बहुत आगे हाई एजुकेशन में वे लोग जितनी दक्षता से कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, अयुक्त है जिसमें योग नहीं है, चित्त को समाहित नहीं किया है, वह व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकता, उसमें वह बुद्धि और ज्ञान नहीं होता। नचा युक्तस्य भावना, और उसमें भावना नहीं होती। आप एक भावना शब्द को पकड़े, हमने प्रेक्षा ध्यान में या प्राचीन साहित्य में अनेक आचार्यों ने भावना शब्द का बहुत मर्म व्यक्त किया है। भावना कोई आदमी कैसे बदल सकता है, बदलने का सबसे बड़ा सूत्र है भावना। योग वासिष्ठ में इस पर बहुत बड़ा लंबा प्रकरण मिलता है भावना का, भावना, और उसको एक भाषा में हम आज सम्मोहन कह सकते हैं। सम्मोहन ये भावना, अयुक्त में भावना नहीं होती, और नचा भावयत शांति, जो भावना का प्रयोग नहीं करता वह शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो सारे वक्तव्य का निष्कर्ष ये हुआ कि भावना के बिना शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती। सारे निष्कर्ष को आप एक शब्द में पकड़ लें कि जो व्यक्ति शांति चाहता है उसे भावना का प्रयोग करना आवश्यक है। हमारा अनुभव है, आचार्य तुलसी मेवाड़ में उदयपुर जिला में चतुर्मास कर रहे थे, परीक्षा ध्यान का शिविर था, महाराष्ट्र से एक परिवार आया ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए। उस परिवार के मुखिया ने कहा, एक समस्या है कि हमारी बहू छोटी अवस्था है, 20-25 वर्ष की अवस्था है, निरंतर डरती रहती है, दिन में रात में, चाहे 1000 आदमियों के बीच में तो भी डरती है, अकेली तब डरती है, निरंतर डरती है। तो फिर हमने भावना का प्रयोग किया, अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, 10 दिन में एकदम परिवर्तन हो गया। जब जाने लगे तो मैंने पूछा क्या स्थिति है, तो परिवार के लोगों ने कहा, उसने स्वयं भी कहा, 80% तो डर दूर हो गया, अब जो थोड़ा बहुत बचा है और प्रयोग चलेगा ठीक हो जाएगा। भावना परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली सूत्र है भावना माध्यम। एक प्रकार से जो हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, उससे अपने आप को भावित कर लेना, सम्मोहित कर लेना, अथवा उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना। जब हमारा तादात्म्य होता है तो हमारी परिणति वैसी शुरू हो जाती है
हमारे भीतर से हम वैसा आकार लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर आया कि असंतस्य कुतः सुखम, जिसे शांति नहीं है वहां सुख कैसे होगा। बहुत गहरा संबंध है। लोग कहते हैं आज सुख के साधन बहुत हैं, थोड़ा संशोधन करना चाहिए शब्द का प्रयोग भी हम कैसे करें। सुख के साधन नहीं, जितने पदार्थ हैं वे हमारी सुविधा के साधन है। सुख तो है कहाँ, बड़ा कठिन हो रहा है, सुख होना तो बड़ा मुश्किल है। शांति के बिना सुख हो नहीं सकता। जब मन अशांत है तो सुख की कल्पना ही नहीं कर सकते, वह हो भी नहीं सकता। अशांति में सुख कभी नहीं होता, आप स्वयं अनुभव करेंगे। जब कभी मन में अशांति है, दिमाग अशांत है, सारी सुविधा की सामग्री मिल जाने पर भी सुख का अनुभव नहीं होता, तो अशांत को सुख नहीं होता। तो शांति और सुख दोनों पर हमने विचार किया। सामान्यतः सुख पर विचार करें कि हर आदमी सुख चाहता है, शांति को गौण कर देता है, पर सच्चाई यह है कि शांति के बिना सुख नहीं होता और शांति भावना के बिना नहीं होती। भावना चित्त के समाधान के बिना नहीं होता। एक पूरी श्रृंखला है, कार्य कारण माला है, कि एक के बिना दूसरा नहीं होता। तो हम प्रारंभ कहाँ से करें? अगर गीता के दर्शन को सामने रखें तो युक्त होने से, समाधि या योग से शुरू करें। योगो भवति दुखः, बड़ा सुंदर है कि युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुखः। योग दुख कम करने वाला है, अशांति को कम करने वाला है। परंतु पता नहीं भारतीय जनमानस में क्या हुआ, जो एक बड़ी विद्या थी, एक बड़ी खोज थी हमारे पूर्वजों की, अध्यात्म विद्या, योग विद्या, उसको बिल्कुल भुलाने की बात कर दी, इग्नोर कर दिया, बिल्कुल गौण कर दिया और विद्याओं को प्राथमिकता दे दी। तो हम इस निष्कर्ष पर आए, अगर सुख की खोज है तो हमें शांति का उपाय खोजना होगा। शांति का है तो फिर युक्त हो भावना का खोजना होगा। बस तीन चार शब्दों पर और गीता के कुछ सूत्रों पर विचार करें तो शायद हर व्यक्ति अशांति की सीमा से हटकर और शांति की सीमा में आ सकता है और शांत अवस्था में सुख का अनुभव कर सकता है। अन्यथा नहीं लगता। ऐसे लोग होते हैं कि मन में बड़ी अशांति है, रोटी खा ली, अब पता ही नहीं चला, फिर पूछता है मुनीम जी मैंने रोटी खाई या नहीं खाई, ये स्थिति बनती है। आचार्य तुलसी एक बड़े उद्योगपति के घर में ठहरे हुए थे। एक दिन आचार्य वर ने कहा कि आप रोटी खाते हैं तो आपका ध्यान तो रहता नहीं, चारों तरफ से फोन की घंटियां बजती रहती है। तब बोला रोटी खाता कौन है, मुश्किल से एक छोटा सा फाफड़ा खाता हूँ और खा ही नहीं सकता मैं तो, क्योंकि अशांत है, चारों तरफ से एक कोलाहल अशांति है, तो भूख नींद सब गायब हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान की समस्या को सुलझाने के लिए हम गहराई से विचार करें और इससे होगा कि वास्तव में जो धर्म है वह यह धर्म है जिससे हमें शांति प्राप्त हो। और तो परंपरा रूढ़ी अपनी अपनी हो सकती है, तो हम इस धर्म के मौलिक स्वरूप पर भी विचार करें और गीता का जो पथ दर्शन है उस पर विचार करें तो निश्चित ही एक शांति का ऐसा फार्मूला हमारे हाथ लगेगा जिससे इस अशांत और कोलाहल वातावरण के मध्य रहकर भी हम बड़ी शांति के साथ एक अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर सकते हैं। ओम अर्थ ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे।